हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं शॉपिंग भी कर रही हूँ और साथ में मैं चाय भी पी रही हूँ। और एक्चुअली कल स्लॉट सब पूरा हो चुका था तो मेरा शॉपिंग करना नहीं हुआ, तो आज पाही और कुही दोनों ही सो रही है, तो मैंने सोचा मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। अभी उठ गई है कुही, उठ गई है। बेकिंग का कुछ टूल्स ले ली हूँ और साथ ही साथ अगले मंथ मतलब जून में कुही का बर्थडे भी है, सो बर्थडे के लिए भी मैं कुछ सामान ले रही हूँ। शायद लॉकडाउन में ही उसका बर्थडे हो जाएगा, तो इसलिए घर में ही, ताकि फर्स्ट बर्थडे है तो अच्छे से सेलिब्रेट कर सकूँ, इसलिए मैंने कुछ कुछ सामान ले लिया है जो मुझे बहुत चाहिए था, और घर का भी बहुत कुछ सामान नहीं था। और वही मैं आज अभी चाय पी रही हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे, इसी कप से मैं पूरा मग है मेरा ये, इसी कप से मैं सुबह शाम को मैं चाय पीती हूँ। और इस ये कप मुझे सुबह देखते ही मुझे इतना अच्छा लगता है ना, इससे चाय अगर मुझे मिलता है तो, क्योंकि मैं एक म्यूज़िक लवर हूँ, मुझे म्यूज़िक सुनना भी बहुत पसंद है और गाना गाना भी मुझे बहुत पसंद है। बहुत बार मैं गाना गा भी चुकी हूँ, अपने चैनल पे अपलोड भी कर चुकी हूँ। ये वाला कप क्यों मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो एक डोनाल्ड डक है, जो कि मैं जब छोटी थी मुझे डोनाल्ड डक देखना बहुत पसंद था। साथ ही साथ उसमें ट्यून लिखा हुआ है, मेलोडी हारमोनी, म्यूज़िक इज़ लव इन सर्च ऑफ अ वर्ल्ड, ऑल म्यूज़िक इज़ ब्यूटी ब्यूटिफुल, वही कंपोजिशन वही सब है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कप में, कुछ एक पॉजिटिव वाइब आता है मुझे, और इसलिए मैं इसी कप से पूरा फुल चाय या कॉफ़ी दोनों ही हो, कुछ भी हो जाए मैं पीती हूँ। और बस वही अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। ब्रेकफास्ट अभी तक मेरा हुआ नहीं, मेरे हस्बैंड का तो ऑफिस था, तो सुबह जल्दी जल्दी मैंने उसको ब्रेकफास्ट बना के भेज दिया है ऑफिस, और पाही उठने से मैं बनाऊंगी। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं आपके, एंड अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। कुही क्या कर रही हो? पाही क्या कर रही हो? पाही बेबी को मंडे सिखाओ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे। वेरी गुड। कुही क्लैप क्लैप करो। वेरी गुड करो। पाही जनवरी बोलो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, वेरी गुड पाही। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आप लोग को बोला था कि आज मैं छोले की चोर बना के दिखाऊंगी, इसको चने का चिक्का भी बोलते हैं, उसके लिए मैंने छोले को बॉईल कर लिया है, इसको एक सीटी मार के बॉईल कर लिया है, इससे ज़्यादा बॉईल ना करें, एक ही सीटी मारें। उसके बाद अच्छे से ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से ड्राई करने के बाद ऐसा फ्लैट कुछ एक ले लें, जैसे कि प्लेट हो सकता है या फिर बाटी या फिर ग्लास, कुछ भी हो सकता है, लेके आप अच्छे से चने को प्रेस करके दबा के इसको फ्लैट कर ले। देखिए मैं आप लोग को करके दिखा रही हूँ, ऐसे करके आप लोग अच्छे से फ्लैट करके अच्छे से निकाल लीजिए इसको। इसको बहुत ही सावधान तरीके से निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये टूट जाएगा। ऐसे एक एक करके अच्छे से सब कुछ बना लीजिए। मैंने भी सब बना लिया है, अभी आप लोग को दिखाती हूँ। मैंने सब बना लिया है, ऐसे बना के अभी मैं धूप में सुखाऊंगी करीब 1.5 से 2 घंटा। आप धूप, अभी गर्मी ज़्यादा है तो जल्दी हो जाता है, और अगर पंखा के नीचे सुखा रहे हो तो 2 घंटा ज़रूरी है देना। तो देखिए अच्छे से फ्राई कर लेना। तो ये देखिए मैं फ्राई करने के बाद रिफाइन ऑयल में मैंने फ्राई किया है, या फिर आप माइक्रोवेव में इसको रोस्ट भी कर सकते हो अच्छे से। ऐसे मैंने फ्राई करने के बाद अच्छा ये क्रिस्पी हो चुका है। इसको आप मसाला कुछ भी, गरम मसाला हो, चाट मसाला हो, ब्लैक चिली या फिर रेड चिली या फिर ब्लैक पेपर, ऐसे दे के खा सकते हो। ये इवनिंग स्नैक्स के लिए बहुत ही अच्छा एक स्नैक्स होता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और इसी के साथ साथ मैं आज की वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। और आप लोग को ये वीडियो देख के कैसा लगा, रेसिपी कैसा लगा, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो। सो थैंक यू सो मच। एक नया ब्लॉग के साथ फिर से मैं मिलूँगी आप लोग को। बाय, टेक केयर।